सो हाय गाइस, बैक अगेन विद अंदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं ज़ेनकाई के बारे में। पूरा आपको एक गाइड बताता हूँ कि ज़ेनकाई क्या है, मतलब क्या यूज़ है ज़ेनकाई का, और आपको कैसे ऑप्टेन कर सकते हो ज़ेनकाई को। देन बेस्ट ज़ेनकाई कौन से हैं, किस ज़ेनकाई पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट तो ये है कि भाई व्हाट इज ज़ेनकाई, ठीक है। ये सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि ज़ेनकाई क्या चीज़ है, ठीक है। ज़ेनकाई के बारे में बात करूँ तो देखो, जैसे आपको बेसिक यूनिट्स आते हैं पहले, जैसे सारे यूनिट्स आए थे नॉर्मल यूनिट्स, फॉर एग्जांपल ले लो SSJ3LF गोकू या कोई भी नॉर्मल स्पार्किंग यूनिट्स आए थे। जब ओवर द टाइम वो आउटडेट हो जाते हैं, जैसे जैसे नए यूनिट्स आने लगते हैं, जैसे LF SSJ3 गोकू कितने पहले आया था, उसके बाद वेजिटोब्लू इतने टाइम बाद आया, ठीक है, उसके बाद तो LF SSJ3 गोकू बहुत आउटडेट हो गया ओवर द स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। जब वो आउटडेट हो गया तो अब उसको क्या कहते हैं, अब उसको यूज करना बेकार है। तो वो उस यूनिट को ठीक करने के लिए उसको मेटा वायबल करने, मेटा वायबल इन द सेंस कि मतलब वो यूनिट को आप फिर से यूज कर पाओ उस मेटा में, मतलब करंट मेटा में। जैसे आपको पता है करंट मेटा, जैसे वेजिटो ब्लू है, गोजीटा ब्लू है, ये सब, ये हर जगह ये लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो SSJ3 तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको वैसा बनाने के लिए ज़ेनकाइज करते हैं, मतलब बेसिकली उनको उनके जितने भी स्टैट्स हैं हम इंक्रीज करते हैं, उनके थोड़े यूनिक्स को ट्वीक करते हैं कि वो करंट यूनिट से मैचअप कर पाए उनके यूनिट से। बट लेजेंड्स में क्या हुआ, रादर देन कि वो यूनिट्स के पावर लेवल को मैचअप करे और उनके स्टैट्स को मैचअप करे, इनने क्या कर दिया, उनके स्टैट्स तो इंक्रीज कर दिए, उस नॉर्मल यूनिट से भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए, उनको दो एक्स्ट्रा यूनिक दे दिए जो उनको एक्सट्रीमली बस्टेड बना देता है, और जो नए यूनिट्स रिलीज होते हैं वो इनकम्पेरेबली बहुत बेकार होते हैं उनके सामने। तो लेजेंड्स ने ये गड़बड़ कर दी, उनको क्या करना चाहिए था, ज़ेनकाइज को ऐसा बनाना चाहिए था कि वो जो नए यूनिट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोजीटा ब्लू या गुहान, फ्यूचर गुहान, वो लेवल तक ही रहना चाहिए पुराने यूनिट्स को, बस थोड़ा सा डैमेज इनफ्लिक्ट बफ दे दो। उनने स्टैट तो इतना नेक्स्ट लेवल इंक्रीज कर दिया, जो नॉर्मल यूनिट्स के स्टैट्स भी नहीं होते उतने 2-3 star LF के, तो दैट इज प्रिटी अनोइंग। बट अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपको समझ आ गया कि भाई ज़ेनकाई व्हाट इज ज़ेनकाई, ठीक है। तो आपको आपको बताता हूँ कि ज़ेनकाइज क्यों यूजफुल है और बेटर क्यों है नॉर्मल यूनिट से, और आपको ज़ेनकाइज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ज़ेनकाइज जो है वो ज्यादा बेटर स्टैट्स होते हैं, उनके पास 4 यूनिक होते हैं, एक कैरेक्टर नॉर्मल स्पार्किंग के पास 2 यूनिक होते हैं, ज़ेनकाइज यूनिट्स के पास 4 यूनिक होते हैं, ठीक है। उनको उनके पास ज्यादा इंक्रीज स्टैट्स होते हैं, ठीक है। और जब आप पीपी में खेलते हो तो आपको ज्यादा डैमेज मिलता है अगेंस्ट नॉर्मल जो भी यूनिट्स होते हैं, तो इसलिए आपको ज़ेनकाइज प्रेफर करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि नए यूनिट्स प्रेफर करने नहीं चाहिए, बट आपको ज़ेनकाई रखने चाहिए इन ऑर्डर टू कम्पीट। जब आपको टॉप 1K या टॉप 10K में कम्पीट करते हो तो आपको एक ना एक ज़ेनकाई चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप बहुत हार्ड ग्राइंडर हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ज़ेनकाई मैंडेटरी है, बट अगर आप बहुत ज्यादा ग्राइंड करते हो आपको ज़ेनकाई की जरूरत होगी कहीं ना कहीं। फ्यूचर एक ऐसी टीम है जिनको ज़ेनकाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टीम ही इतनी नहीं है, उसमें इतने सारे एडिशंस है, वो बहुत टॉप टीयर टीम है, उसको इतनी जरूरत नहीं है। बाकी जरूर है, आपको हाइब्रिड्स को ज़ेनकाइज की जरूरत है, क्योंकि वो यूनिट्स में इतना दम नहीं है अभी रिसेंट वाले यूनिट्स में, इसलिए उनको ज़ेनकाई एलेफान इन सब की जरूरत है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या कहते हैं ज़ेनकाइज आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ज़ेनकाई कहाँ से, एक तो आपको फर्स्ट कंडीशन है ज़ेनकाई ऑब्टेन करने की, आपको कोई भी यूनिट 7 star पे होना पड़ेगा, आपका कोई भी यूनिट, आप LF गुहान ले लो, आप 118 ले लो, कोई भी यूनिट हो आपको 7 star होना पड़ेगा वो यूनिट को ज़ेनकाई करने के लिए, ठीक है। जैसे ही आपके पास वो यूनिट 7 star हो जाएगा, फिर आप जाओगे समन सेक्शन में, ठीक है, फोन में, उसके बाद आप जाओगे यहाँ पर नीचे यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन भी है ज़ेनकाई का लिखा हुआ है इन लोगों ने, तो वहां पे आप जैसे देख सकते हो ज़ेनकाई कौन कौन से अवेलेबल है। अगर वो पर्टिकुलर ज़ेनकाई अवेलेबल है और आपके पास वो 7 star पे भी है, ठीक है, तो आप उसको उसी समय इस बैनर पे समन करके ज़ेनकाई कर सकते हो, ठीक है। तो ज़ेनकाइज के 7 levels है, 7 ज़ेनकाइज, ठीक है, 7 levels है ज़ेनकाइज के, ठीक है। और आपको जो लास्ट के 2 unique होते हैं जो यूनिट को और बेटर बनाता है, वो ज़ेनकाई 3 और ज़ेनकाई 6 में मिलते हैं। तो ये तो समझ आएगा कि ज़ेनकाई 7 levels होते हैं ज़ेनकाई के,
ठीक है, जेंकाई 7 पे वो बहुत ज्यादा बस ज्यादा स्टैट्स होगा, ज्यादा ज्यादा यूनिक्स होंगे, ठीक है, ज्यादा डैमेज करेगा, इसलिए लोग जेंकाई 7 पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, एटलीस्ट 7,000 CC इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट इन द सेंस जब आपका 7,000 CC है तो आपको डालने पड़ेंगे वो यूनिट पे इन ऑर्डर टू जेंकाई 7M, ठीक है, जेंकाई 7M और अर जो भी कोई भी यूनिट है, अगर एंड्रॉइड 18 है फॉर एग्जाम्पल, तो 7,000 CC आपको डालने पड़ेंगे उसको जेंकाई करने के लिए, ठीक है। तो अब ये है कि जो 7K CC एग्जैक्टली आपको 7K CC नहीं चाहिए, अगर आपका लक बहुत अच्छा है, आपको 500 Z पावर भी मिल सकता है या 1500 Z पावर मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको 5,000 या 6,000 में हो जाएगा, 5,000 या 4,000, अगर आपका लक आप बहुत अच्छा हो तो 5,000 CC में भी एक जेंकाई 7 आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप आपको मैंने समझा दिया कि आप कहाँ से ऑप्टेन कर सकते हो, आपको 7-स्टार मैंडेटरी कंडीशन है जेंकाई करने के लिए, ठीक है, और ये भी है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ कि बेस्ट जेंकाइज कौन से हैं और आपको कौन से जेंकाइज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट जेंकाई इन द गेम है LF गुहान, तो LF गुहान की तो 7 कॉपीज चाहिए, वो एक LF यूनिट है, 7 कॉपीज मिलना बहुत मुश्किल है, ये एक इशू है, बट जैसे जैसे बैनर आएंगे आपको कहते हैं 7 कॉपीज कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे, तो उसका तो जेंकाई फ्री है, वो मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिल सकता है। आप USTR शॉप में जाइए, एक्सचेंज शॉप में जाइए, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, तो आप एक्सचेंज रश मेडल वाले दिख रहा है आपको, रश मेडल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा होगा अवेकनिंग जी पावर, तो LF नैमिक गोकू ये गोहान एंड क्या कहते हैं LF पिकलो, इन सबके जेंका अवेकनिंग फ्री है, जो भी LF जेंका है उनका जेंका अवेकनिंग फ्री है, आप फ्री में उनको जेंका 7 कर सकते हो। बाकी जैसे यूनिट्स हैं एंड्रॉइड 18, SSJ3, ये आपको बैनर पे समन करना पड़ेगा खुद, फिर आप उनको क्या कहते हैं जेंकाई कर पाओगे। तो बात करें तो आपको LF गुहान की जेंकाई करनी ही चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली, अगर आपके पास 7 स्टार्स पे एंड्रॉइड 18 रिकमेंडेड यूनिट है, अगर आप एंड्रॉइड या गर्ल्स चलाते हो, अगर आप नहीं भी चलाते हो तो समहाउ अगर इसका बैनर रिटर्न होता है आप इसको जेंकाई करिए, बहुत पावरफुल यूनिट है और आपको पीपी में बहुत हेल्प करेगा। पर्पल SSJ3 गोकू बहुत अच्छा यूनिट है, सन फैमिली के लिए बहुत अच्छा है और सीएनस के लिए बहुत अच्छा है, ये भी जेंकाई डेफिनेट, जो भी यहाँ पे आपको फर्स्ट ये 5 दिख रहे हैं ये जेंकाई बहुत अच्छे हैं और अकेले ही आपको क्या कहते हैं गेम जिता सकते हैं। गोजीटा वो भी बहुत अच्छा जेंकाई, अगर आप फ्यूजन वॉरियर्स क्या कहते हैं सुपर सेंस मेन करते हो, गोजीटा बहुत अच्छा है, बार्डॉक सुपर सेंस सेंस बहुत अच्छा है, तो आपको ये तो करना ही चाहिए, ये तो रिकमेंडेड है, मैंडेटरी कि आपको अगर आप पीपी टॉप लेवल पे खेलते हो तो इनमें से आपके पास एक दो यूनिट तो होने ही चाहिए, तभी, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप नहीं जीत सकते अगर आपके पास ये यूनिट्स नहीं है, बट आपको आसानी हो जाएगी जेंकाई गेम खेलने में। अब बात करते हैं, मैं जो रिकमेंड करूंगा अलग से कौन सा जेंकाई आपको करना चाहिए, एक तो नामे गोकू तो वो तो है ही, अच्छा यूनिट है ही, बहुत बढ़िया यूनिट है, बट वो तो फ्री है, अगर आपके पास 7 स्टार पे है तो 7 स्टार LF नामे गोकू है तो आप फ्री में जेंकाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ब्लू ट्रंक्स या गोकू ब्लू में से कोई भी कर लीजिए, अगर आपके पास फेवरेट है गोकू, आपकी गॉड की मेन है तो आप गॉड की के लिए गोकू ब्लू कर सकते हो, अगर आपकी फ्यूचर मेन है तो ट्रंक को कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट गोकू बहुत ज्यादा बेटर है क्योंकि बफ सपोर्ट भी करता है, फिर बहुत टैंकी भी है, इसलिए आई वुड रिकमेंड आप गोकू को करो। बाकी रीजन वालों तो आपको पता ही है DKP और ये माजिन बू, तो यही है जो बेस्ट जेंकाइज इन द गेम है और आपको इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही जेंकाइज वर्क करते हैं। अगर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप किसी यूनिट को जेंकाइज, जैसे मेरा LF गोहान है जेंकाइज 7, ठीक है, तो यहाँ पे सोल बूस्ट का ऑप्शन होगा, सोल बूस्ट जैसे आप नॉर्मली करते हो सोल से, राइजिंग सोल से, वैसे क्या कहते हो जाएगा, बट आपको जेंकाई सोल्स भी होते हैं इसमें, तो अगर आपको जेंकाई सोल्स करना है तो आपको आपको ये पैनल्स अनलॉक करने पड़ेंगे, इसमें बहुत सारे अमाउंट ऑफ राइजिंग सोल्स लिखे हैं, ये आपको पता चल जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे ना अवेकनिंग कोर पे तो आपको पता चलेगा कितने सोल्स चाहिए, वो अपने आपको आपको बता देगा कि कहाँ जाके ये सोल्स, बट आपको ये पूरा 200 200 करके 1400% चाहिए होगा, तभी आपका पूरा जेंकाई 7 कंप्लीटली सोल बूस्ट हो पाएगा, अगर आपका नहीं है तो आप क्या कहते हैं वो और यूनिक्स भी अनलॉक नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था जेंकाई 3 और जेंकाई 6 पे आपको उसके बेस्ट यूनिक्स मिलते हैं, वो क्या कहते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ गोहान का ये यूनिक एबिलिटी वाला है, ये आपको अनलॉक करना पड़ेगा, ये भी राइजिंग सोल्स
जेंकाई सोल्स, इन सब से होता है, वो सब पता चल जाएगा। जैसे आप टैप करोगे ना, वो बताएगा कि आप कैसे इतना है, आपको ये कहाँ से मिलेगा, सब एक्सप्लेन कर देगा कि आपको कहाँ से चाहिए। सो ये था भाई जेंकाई का गाइड, और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से जेंकाइज बेटर है। आपकी टीम देखिए, उसके हिसाब से चुनिए। हाइब्रिड मेन करते हो तो गोहान, देन क्या कहते हैं, अगर एंड्रॉइड मेन करते हो तो एंड्रॉइड 18, सेंस मेन करते हो तो गुजीटा सुपर सेंस, और अगर गॉड की मेन करते हो तो सुपर सेंस गॉड गोकू ब्लू। तो यही था भाई जेंकाइज के बारे में। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मैं बताऊंगा, कमेंट्स में बताइए कि यार अगर कुछ भी डाउट है तो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो ये था वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लेट्स मीट द नेक्स्ट वन।